नमस्कार, जिबरी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए रुख करते हैं मध्यप्रदेश की खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। एक दिवसीय इस यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमन ने मंत्रालय के साथ ही रविन्द्र भवन में भी इस आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उधर सिंधिया समर्थक ऊर्जा मंत्री यानी कि बदुमन सिंह तोमर अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि लगातार वो अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते रात ऊर्जा मंत्री बदुमन सिंह तोमर अपने किसी समर्थक के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। ऊर्जा मंत्री बदुमन सिंह तोमर जब शादी में पहुंचे तो उस समय बारात दरवाजे पर ही थी और उसी दौरान ऊर्जा मंत्री बदुमन सिंह तोमर बारात में शामिल हो गए और डीजे की धुन पर नाचते हुए नजर आए। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा ने जब इंदौर से उज्जैन की सीमा में प्रवेश किया तब स्कूल के बच्चों ने राहुल गांधी का जमकर स्वागत किया। यहाँ पर राहुल गांधी ने बच्चों के साथ चाय पर चर्चा की, बच्चों से उनके विचार जाने और किसी स्टूडेंट ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने पायलट बनने की इच्छा जाहिर भी उनके सामने कर दी। कार्य को समझे बाद में मौजूद कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलनाथ ने भी कहा है कि जो विद्यार्थी पायलट बनना चाहते हैं उन्हें आप एक बार हेलीकॉप्टर में ले जाकर बताएं कि पायलट का काम कैसा रहता है। गोवा में आयोजित हुए 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि IFFI में जूरी के हेड ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठा दिए। जूरी हेड और इसराइल के फिल्म मेकर नादब लैपिड ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया, साथ ही साथ उन्होंने इसे भद्दी फिल्म भी करार दिया। फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान लैपिड ने ये बातें कही थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा है और लोग आक्रोशित हैं। नादव लैपिड की टिप्पणी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री यानी कि नरोत्तम मिश्रा ने इसे शर्मनाक करार दिया है। छिंदवाड़ा के प्राइवेट आनंद अस्पताल पर लापरवाही और गलत इलाज करने के आरोप लगे हैं। दरअसल दिलीप गंगवानी नाम के एक शख्स ने प्रेस वार्ता करके आनंद हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि मेरी माँ का उपचार कराने के लिए अस्पताल वो पहुंचे थे और डॉक्टरों ने उपचार भी किया था, लेकिन लापरवाही के चलते उनकी माँ की जान चली गई। दिलीप ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आनंद अस्पताल में ABG टेस्ट गलत तरीके से किया जाता है, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आइए, नमस्कार।